पूरे देश के साथ साथ नालागढ़ स्कूल के प्रांगण में भी दशहरा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। मुख्य अतिथि के रूप में SDM नालागढ़ ने शिरकत की। इनके साथ साथ MLA लखविंदर राणा, पूर्व विधायक KL ठाकुर खास तौर पर उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी ने आए हुए सभी मेहमानों को सम्मानित भी किया। रामलीला में राम वनवास, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और रावण वध के दृश्य खास तौर पर प्रस्तुत किए गए। उसके बाद मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण के पुतले जलाए गए। आप इसकी नाभी में तीर मारिए। बाजार में आएगी मेरी आपके लाश के ऊपर, बनाऊंगा बनाऊंगा मैं आपके धुन अब आकाश के ऊपर। सब गंगा का जल होगा मेरा ही तरस होने में, मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। मैंने अपने सिर का श्री महादेव को पूजा है। सभी नालागढ़ वासियों को, सोलन जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली ये दशहरा है, एक बुराई का जो है अंत है, अच्छाई ने जो किया है उसके रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इससे हमें अकेले जो है तो सिंबॉलिक है, जो हम पुतला फूकते हैं, पर तो हमें जो समाज में बुराइयाँ हैं उसका नाश करना है इस ढंग से। जैसे आजकल युवाओं में नशे की बात हो रही है, ये भी हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम युवाओं को नशे से बचाएँ और ताकि हमारे युवा देश के लिए मतलब आगे के निर्माण में काम आए। और इसलिए एक बार फिर मैं नालागढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में भगवान करे कि हमारे नालागढ़ क्षेत्र के विधायक श्री लखविंदर राणा हमारे सभी वर्गों के लोग जो इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और दशहरा का जो रावण है उसका जो अंत है, घमंड है, उसके उसके ऊपर जो है विजय रामचंद्र जी ने किस तरह से विजय प्राप्त की, घमंड को तोड़ा, उसके लिए जो है हमारे सभी जो ये तुम्हारा कोमल शरीर हमारी क्षमता है, हमारे सचमुच युद्ध करने योग्य नहीं देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला दो। दशहरा और दिवाली हमारे जो है दो त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें हमारे सभी लोग जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और दोनों त्यौहारों के ऊपर सभी लोग जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। जन्नत कर झुक कर। मैं संदीप कुमार सोनी, सोनी जर्नलिस्ट की ओर से ऊना वासियों और हिमाचल प्रदेश वासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। धीरज शर्मा, प्रधानाचार्य स्कॉलर यूनिफाइड स्कूल की ओर से, बच्चों की ओर से और स्टाफ की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजय कुमार, प्रोप्राइटर यूनिवर्सल फिलिंग स्टेशन एंड यूनिवर्सल बुक डिपो, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को देता हूं। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमराज शर्मा, डायरेक्टर जगत हॉस्पिटल, अपनी ओर से तथा अपने स्टाफ की ओर से विजयदशमी की शुभकामनाएं। मैं संतोष सैनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर सहकार भारती, सभी देश और प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देती हूँ।
मैं बलवीर बग्गा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ऊना सभी प्रदेशवासियों को और जिला को सभी कार्यकर्ताओं को मैं दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी वो दशहरा जो है मंगलमय। कुलदीप कुमार नायब तहसीलदार ऊना अपनी ओर से पूरे प्रदेश एवं देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर निधि शर्मा आरोग्य निकेतन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ऊना से सभी भारतवासियों और सभी प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रवि जैलदार बीडीसी सदस्य मलाहत मदनपुर रामपुर देश और प्रदेशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चरण सिंह गांव मलाहत प्रधान गांव व प्रदेश वासियों को दशहरे की शुभकामना और बधाई देता हूं। मैं कुमार लवली एंड पार्टी सारी म्यूजिकल ग्रुप अपने सहयोगियों अपने साथियों अपने परिवार की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को हिमाचल एक्सप्रेस टीम को दशहरे व नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूं।